दोस्तों, मैंने अभी भी एक बॉलीवुड की मूवी देखा है ऊंचाई, जिसको डायरेक्ट किया है यहाँ पर सूरज बड़जात्या ने, जिसको डायरेक्टर है भाई सूरज बड़जात्या। और इसमें यहाँ पर एक्टर ले लेते हैं अमिताभ बच्चन हो गया, यहाँ भूमि ईरानी हो गया, डैनी हो गया, और यहाँ पर अनुपम खेर से जो सबसे बड़े बड़े यानी कि सबसे ओल्ड पुराने अपने एक्टर है, जो कि मास्टरपीस यानी कि लेजेंड एक्टर है, इसके अंदर शामिल है। गाइस सबसे पहले मैं इतना बोला जो कि भाई बॉलीवुड सुधर रहा है, धीमे धीमे बॉलीवुड सुधर रहा है भाई। ये मूवी देखने के बाद मुझे लगता है बॉलीवुड पूरा सुधर चुका है। और भाई मूवी में कैसा था, क्या कहानी थी, तो कहानी तो आपको ट्रेलर देख के आपको मालूम चली गया होगा। तो गाइस इसमें मूवी में क्या कहानी है कि इसमें चार बेस्ट फ्रेंड होते हैं, उसमें जो गाइस जो डैनी है उनका मतलब इच्छा होता है कि मुझे यहाँ पर जाना है एवरेस्ट, मतलब एवरेस्ट के पहाड़ चढ़ना। जो एवरेस्ट होता है आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट जो कि यार दुनिया के सबसे मतलब मुश्किल चढ़ाई में से माना जाता है, बहुत ऊंचा यानी कि माउंट एवरेस्ट है, तो उस पर चढ़ने की उसकी इच्छा होती है। और गाइस उसकी इच्छा मतलब पूरी नहीं होती और वो मर जाता है। बाकी के जो उनके फ्रेंड है उनके आखिरी इच्छा को पूरी करते हैं और उनकी जो अस्थि होती है जो कि एवरेस्ट पर्वत पर इनकी विसर्जन करने के लिए जाते हैं। भाई इस बीच में बहुत कुछ होगी, ऐसा नहीं यार, इसके बीच में बहुत कुछ तबाही होने वाला है एंड बहुत कुछ यार। इधर बूढ़े लोग कैसे एवरेस्ट चढ़ेंगे यार, सोच के आप लोग भी बोलोगे भाई क्या यार, इधर बूढ़े लोग कैसे एवरेस्ट चढ़ेंगे यार, ये सब बहुत अलग चीज़ है। और गाइज मैं आपको बताऊँ, मूवी में मैंने बहुत कोशिश की इसमें कोई एक नेगेटिव पॉइंट ढूंढ, लेकिन यार मैं नहीं ढूंढ पाया भाई। मूवी में बहुत मैंने ट्राई किया कि एक नेगेटिव पॉइंट ढूंढूँ क्या खराबी है, लेकिन मैं नहीं हॉनेस्ट भाई, मैं खराबी नहीं ढूंढ पाया। और भाई मूवी में यार आप देख लो, मूवी में सूरज बड़जात्या ने भाई काम ने भाई जबरदस्त किया। पहली बात मैं तारीफ करना चाहूँगा सूरज आर बड़जात्या की, मैं तारीफ करना चाहूँगा गाइज। इनका जो डायरेक्शन लेवल इसमें अलग लेवल की दिखता है, इसमें जो मतलब एक्टरों से क्या काम करवाया यार, अमिताभ बच्चन से क्या काम निकलवाया यार, भर भर के इमोशन आप देख लो यहाँ पर फैमिली इमोशन आपको फील करोगे। और यहाँ पर मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक एंड थोड़ा वो जो VFX है, क्योंकि यार पहाड़ वगैरह सीन वगैरह, तो गाइज उसका मैं तारीफ करना चाहूँगा यार, सूरज बड़जात्या यार क्या आपने बढ़िया काम किया यार, इसमें गलती ढूंढने लायक कुछ है भी नहीं। सो गाइज यार बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट मूवी निकल के आ रही है यार, आप जाके देख सकते हो ऊंचाई। एंड गाइज सबसे बड़ी बात, इस मूवी से देखने के बाद आपको एक सीख मिलने वाली है गाइज, इसमें आपको सीख मिलेगी, कोई बंदा चाहे ठान ले तो कुछ भी कर सकता है यार, मतलब कोई बंदा ठान ले कि ये करना है तो भाई कर लेगा भाई, भले चाहे रास्ते में कुछ भी भाई तकलीफें या कोई भी यार प्रॉब्लम क्यों नहीं आता भाई, ये मूवी ये आपको सीख देती है यार। गाइज ये मूवी सबको देखना चाहिए। तो गाइज ये सब बात को यहाँ पर साइड में रख दे कि मूवी सब कुछ बढ़िया, मूवी में एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, तो सबसे बात करते हैं फैक्ट की। तो गाइज फैक्ट की बात करें तो आपसे पता है कि जब से यहाँ पर साउथ सिनेमा एंड साउथ के छोड़ो यार, अपने नॉर्थ साइड भी देख लो, यानी कि हर एक इंडिया में क्या है कि अब लोगों का टेस्ट बदल चुका है, ऐसी ऐसी मूवी लोग देखना नहीं चाहते हैं। तो मुझे मालूम है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन नहीं कर पाएगी, आप लिख ले लो कलेक्शन नहीं करेगी, बिकॉज लोगों का टेस्ट बदल चुका है। लेकिन जो भी बंदे देखेंगे वो बंदे देखने के बाद भाई उसको नेगेटिव पॉइंट बोलने का एक मौका नहीं मिलेगा। और गाइज ये मूवी थिएटर में भी चलेगी, लेकिन थिएटर में उतना मूवी चलने लायक नहीं थी, ऐसी ऐसी मूवी आपको OTT यानी कि नेटफ्लिक्स प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, एंड गाइज आपको सिर्फ OTT पे अगर रिलीज होता तो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करती, ऐसी ऐसी मूवी OTT पे काफ़ी ज़्यादा चलती है। सो क्या आपको ये मूवी देखना चाहिए? हाँ गाइज, अगर आप प्लान कर रहे हो मूवी देखने की, कुछ अच्छी मूवी कुछ अच्छा सिनेमा देखने का, तो जाके देख सकते हो। इससे पहले गाइज आपको साउथ में एक Charlie 777 मूवी आई थी, जो आपको मैंने रिकमेंड किया था कि मूवी यार देखो, एंड मूवी कलेक्शन नहीं कर पाई बिकॉज यार लोग ऐसे टेस्ट चेंज हो चुका है, भले साउथ का था लेकिन लोगों का टेस्ट बदल चुका है, सेम मूवी ऐसा ही है, आप में कुछ सीख मिलती है। सो फाइनली इस मूवी को मैं कितना स्टार देना चाहूँगा, इस मूवी को मैं देना चाहता हूँ 5 out of 4 stars भाई, 4 stars दे रहा हूँ, बिकॉज यार इसमें मैंने गलती ढूंढने की बहुत ट्राई किया पर गलती मिला नहीं मेरे को। एंड एक नेगेटिव क्यों कटा यार मैं बता, एक नेगेटिव मैं इसलिए कटा बिकॉज थोड़ी सी गाइस जो शुरुआती की जो स्टोरी लाइन में थोड़ी सी हल्की सी मतलब आपको स्क्रीन प्ले स्लो दिखता है, जो कि और टाइट होना चाहिए था, थोड़ा और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्ले थोड़ा टाइट होता, सो ये कोई बड़ी गलती नहीं है। एंड सूरज बड़जात्या से मैं वही बोलूँगा कि थोड़ा यार वो हल्की से टाइट होना चाहिए स्क्रीन प्ले, इसलिए एक नेगेटिव पॉइंट मैंने काटा। एंड गाइस लेकिन 5 में से 4 स्टार दूंगा, और मूवी को जाकर देखो, आप सब फैमिली के साथ देख सकते हो, फैमिली मूवी है, इसमें कोई भी फालतू सीन नहीं, असली सीन नहीं है, तो आप बेफिक्र होकर पूरे फैमिली के साथ देख सकते हो। और ये मूवी कुछ जो बुजुर्ग लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, एंड युवा लोग हो फिर भी तो आप देख सकते हो, ऐसे कोई बड़ी व्यवस्था कोई है नहीं कि ये खाली बुजुर्ग ही देखेगा। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, मैं तो नेक्स्ट वीडियो में भाई चैनल को सब्सक्राइब करो यार, कुछ ऐसा कंटेंट ला रहा भाई, सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके जाना। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, ब्लैक पैंथर की भाई क्या सीन है, मैं आपको मूवी देख के बताऊंगा, मूवी देखा नहीं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।